अब देखो एक वेरी गुड वाला गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ एस वाला और पीडब्ल्यू टॉप तक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सबकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी दिन है सोमवार बज रहे हैं सुबह के साथ करंट अफेयर का हम लोगों का एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं जितना लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई देख लिया जाए एक बार खदीजा है सोनम है प्रीति है वंशिका है इसके अलावा जैसे कि सौरामी है धीरेन है आ, ठीक है मनमीत है संजय है अजय है सौरभ है आशीष है संचिन है प्रेरणा है जय है हर्ष है रवि है शुभम है उमा है संजय है प्रीति है जूही है हाँ जी अच्छा जूही गोस्वामी अलग है जूही सागर अलग है ठीक है मीना है जयप्रकाश है भाई बहुत स्पीड से आंसर चल रहे हैं मेंट सेशन हाँ जी आशीष आर एन आर चौरसिया प्रिंस है रामू है प्रिंसी है मीना है जीनत है प्रीति है मनोज है अब्दुल है सौरभ है सोनम है रचना है भाई शुरू करें सारे के सारे शुरू कर दे शुरू कर दे हाँ जी तो दिन है सोमवार बहुत शानदार सा सेशन होने वाला है स्टार्ट कर देते हैं आज की प्यारे सेशन से को ठीक है हां जी सभी को गुड वाला गुड मॉर्निंग गुड वाला गुड मॉर्निंग सभी को गुड वाला गुड मॉर्निंग भाई आज आ गई है फर्स्ट ऑफ मई है ना कुल मिलाकर के अप्रैल भी चला गया है है ना हाँ अप्रैल भी देखते देखते निकल गया जनवरी हो गया फरवरी हो गया मार्च हो गया अप्रैल हो गया मई आ जानी है कुल मिलाकर के शादियों की शुरुआत हो जानी है आज से मई से तो हो सकता है मे भी ये मंथ तुम लोगों का शादियों में निकले ठीक है लेकिन बेटा पढ़ाई करनी है ठीक है हां जी पढ़ाई करनी है फर्स्ट ऑफ मई है आज आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जरा ध्यान से देखिएगा हाँ जी क्वेश्चन क्या कुछ बच्चे कह रहे थे मैम आप क्वेश्चन बोर्ड पे अपने हाथ से नहीं लिखती बेटा आज से पूरा प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन को हम हाथ से बोर्ड पर लिखें कंप्लेन देख रहे हो इनकी कितनी प्यारी प्यारी कंप्लेन होती हैं कि मैम क्वेश्चन रीड करके आगे बढ़ जाती है बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखती हाँ जी बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है अगर मैं बात करूं नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पर बात हो रही है किसको लेकर के तो भाई नमो है ना ये क्या है तो ये मेडिकल एजुकेशन या फिर मैं ये कह सकती हूं कि चिकित्सा शिक्षा मेडिकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन एंड और अगर आप देखोगे तो भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ठीक है इसका उद्घाटन किया गया है और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है उद्घाटन उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है पीएम साहब के द्वारा ठीक है बात वही हो रही है कि कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है तो भाई ये किया गया है सिलवासा सिलवासा ये एक स्थान पड़ता है क्या आप मुझे बताएंगे कि ये स्थान जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा हालांकि इससे पहले हम लोगों ने कुछ समय पहले एक अपडेट पढ़ी थी कि नाइनटीन के बाद आफ्टर नाइनटीन आफ्टर 1963 क्योंकि हम सभी जानते हैं फर्स्ट ऑफ दिसंबर 1963 को फर्स्ट ऑफ दिसंबर 1963 को फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन होता है किसका नागालैंड का नागालैंड का तो भाई नागालैंड को भी अपना पहला पहला क्या मिलने वाला था जरा कमेंट सेशन में कमेंट करें फटाफट फड़ से हाँ जी नागालैंड को भी अपना पहला क्या मिला है मेडिकल कॉलेज मिला है बिल्कुल भाई एकदम ठीक। मेडिकल मेडिकल कॉलेज है ना मेडिकल कॉलेज जो है वो किसको मिला है नागालैंड को आफ्टर 1963। ठीक है बाकी ये जो सिलवासा आपको देखने को मिलेगा दादर और नागर की दमन और देव हाँ जी सिलवासा कहाँ पर देखने को मिलेगा दादर नागर या फिर मैं बात करूं दमन और दीव हाँ जी अपना पहला मेडिकल कॉलेज अच्छा मेरा मेडिकल और कॉलेज एक साथ हो गया है क्या बेटा अलग अलग कर लेना है ना मेडिकल अलग है कॉलेज अलग है ठीक है दादर और नागर कुछ कह रहे हैं दमन और दीव बेटा एक ही तो है दोनों इस समय है ना इस समय दोनों के दोनों एक ही तो हैं अगर मैं बात करूं दमन और दीव है ना तो ये दोनों की दोनों एक ही तो है इस समय ठीक है हाँ डिफरेंट मतलब तुम्हें डिफरेंस क्या मिलेगा इसमें <laughs> दोनों सेम ही तो हैं चलो तो आंसर हमारा क्या बनेगा तो भाई सिलवासा बिल्कुल ठीक है कैपिटल यहाँ के क्या हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर यहाँ के कैपिटल हो जाएगी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज्यादा तो कुछ नहीं लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो नेशनल पार्क के मामले में जरूर आपको सेकेंड पर देखने को मिल जाएगा ठीक है हाँ जी बिल्कुल अच्छा एक ही बात है पक्का बेटा देखो अभी ये पीएम मोदी के द्वारा कुछ और ऐसी चीजें हैं जो करी गई हैं हमारे लिए थोड़ी सी जरूरी बनती है जैसे कि हम देखना चाहें तो पीएम मोदी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क है ना फर्स्ट डिजिटल साइंस बार हां जी पोर्ट ब्लेयर तो अंडमान निकोबार का है है ना हां जी बेटा एक सेकेंड रुकना कहां पर हो गया हम लोगों का हाँ जी दमन और दीव और दादर और नागर है ना ये 2020 में एक हो गए थे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल हो जाएगा है ना पोर्ट ब्लेयर ये तो अंडमान निकोबार की कैपिटल है लेकिन जब हम दमन और दीव दादर और नागर की बात करते हैं दमन और दीव दमन और दीव प्लस दादर और नागर दादर और नागर ये मर्ज कर दी गई थी दादर और नागर इनको क्या कर दिया गया था इन्हें मर्ज कर दिया गया था ठीक है हाँ जी इन्हें मर्ज कर दिया गया था ठीक है अगला क्वेश्चन देखो तो भाई फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क बना है और ये कहां पर बना है तो ये बना है तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम की मैं बात करूं तो आंसर हमारा क्या बनेगा केरला बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है अच्छा अगला क्वेश्चन देखो इंडिया की जो पहली है ना वो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट ये कहां पर शुरू किया शुरू किया गया तो ये शुरू किया गया कोची कोच्ची की मैं बात करूं तो आंसर बनेगा केरला कोची केरला इतनी बात आपको यहां से क्या रखनी है ध्यान रखनी है ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा जी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देखने की कोशिश करिएगा भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया और ये किन्हें अपॉइंट किया गया तो बात वही है कि जिंदगी के बाद भी है ना जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हालांकि अब इनका टेन्योर जो है वो फिक्स कर दिया गया है कब तक के लिए तो जून 2024 तक के लिए हम बात कर रहे हैं एल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं एल के नए अध्यक्ष या एल के नए हेड जो हैं ये कौन बने हैं तो वैसे इनको पहले नॉन परमानेंट बनाया गया था लेकिन इस समय एक्सटेंड वैसे इन्होंने एम आर कुमार को क्या किया है रिप्लेस किया है एम आर कुमार को ठीक है हालांकि एक साल के लिए फिलहाल के लिए इनको अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स किया गया है तो आंसर क्या बनेगा हमारा सिद्धार्थ मोहंती ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है सिद्धार्थ मोहंती ठीक है हाँ जी सिद्धार्थ मोहंती अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई कुछ समय पहले हम लोगों ने दो अपॉइंटमेंट पढ़ी थी और ये यकीन मानिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज्यादा जरूरी बनेगा ठीक है एक तो ये वाला आएगा ही आएगा और एक ये वाली अपॉइंटमेंट ठीक है तो दोनों आप लोग याद रखिएगा जब हम बात करते हैं डेप्यूटी एमडी और एचडीएफसी बैंक है ना एचडीएफसी बैंक का डेप्यूटी एमडी किन को बनाया गया है तो काजिद भरूचा का नाम आपको याद रखना है एक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एच बैंक तो ये भावेश झावेरी है ठीक है तो भावेश का नाम भी आप लोगों को क्या रखना है याद रखना है भावेश झावेरी झावेरी ठीक है ये कौन हो जाएंगे कैजाद भरूचा कैजाद भरूचा ठीक है बाकी ये अपॉइंटमेंट हमने नहीं पढ़ी इसको अलग से निकलेना हाँ जी चेयरमैन ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक श्रीकांत एम भिंडीवाड़ ठीक है श्रीकांत एम भिंडीवाड़ आगे बढ़े बेटा एच डी एफ सी तो हम लोगों ने पढ़ ली लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि एच डी एफ सी एच डी एफ सी बैंक के इस समय अध्यक्ष कौन है हाँ जी एच डी एफ सी बैंक की अगर हम बात करें हम्म, तो इस समय इसके अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे एच डी एफ सी बैंक के एच डी एफ सी की बात की है मैंने शक्तिकांत दास आज फिर शक्तिकांत दास आंसर आया जगदीशन बेटा इनका पूरा नाम भी होगा मानते हैं कि आपको पता है लेकिन इसका फुल नेम भी तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत शशिधरन जगदीशन एक बच्चे का आंसर आया है मैम शशिधरन शशिधरन जगदीशन शशिधरन जगदीशन इतनी बात आप लोगों को यहां से क्या रखनी है आपको याद रखनी है अगला क्वेश्चन देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा भाई लंदन के तेलुगु एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और ये किनको दिया गया है ओके 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 अच्छा रिसेंटली हम लोगों ने एक तेलुगु उपन्यास भी तो पढ़ा था जिसे बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था शायद आप लोगों को याद हो कि एक तेलुगु उपन्यास भी हम लोगों ने पढ़ा था जिसे बुकर प्राइस के लिए पायरे करके उसका नाम था बाकी राइटर का नाम आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि वो भी तेलुगु उपन्यास ही था इस वजह से थोड़ा सा हां जी तो लंदन के तेलुगु एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है नीला बेंदा पुड़ी एक ही नाम हो सकता है या फिर मैं बात करूं रघुराम पिल्लरी सिट्टी शांति लकड़ा है या फिर अगर आप बात करोगे तो दलाई लामा कहीं ना कहीं नाम तो सारे सुने हुए हैं भाई ऐसा नहीं है कि एक भी नाम ऐसा हो जो अननोन हो या फिर जो हमने सुना नहीं है वैसे ये सारे नाम सुने हुए हैं हाँ कुछ का ऑप्शन सी आ रहा है कुछ का ऑप्शन डी आ रहा है कुछ का आंसर दलाई लामा आ रहा है ये तो तिब्बती धर्म गुरु है ना दलाई लामा हाँ जी ये तो तिब्बती धर्म गुरु है दलाई लामा हां जी पेरुमल मुगन बिल्कुल भाई पेरुमल मुगन बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है पेरुमल मुरुगन एकदम करेक्ट आंसर है हाँ इन सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है एक बात आप याद रखो आप लोगों को याद है सैटरडे को नई क्लास हुई थी फ्राइडे को मैंने आपको बताया था ये कौन हो जाएंगे ये ब्रेस्ट सर्जन हो जाएंगे ठीक है और इनका नाम आप लोगों को याद रखना है डॉक्टर रघुराम रघुराम पिल्लरी सेट्टी है ना ब्रेस्ट सर्जन है डॉक्टर रघुराम पिल्लरी सेठी इन्हीं की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है ठीक है तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन के द्वारा तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है हाँ भाई ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जितने लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन बी नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन क्या रहा है जुलाई 2023 को कॉलिंस फोर्थ एस्टेट द्वारा प्रकाशित होने वाली स्मोक एंड एसेज राइटर्स जर्नी थ्रू ओपिनियंस हिडन हिस्ट्रीज इसके जो लेखक है ये कौन हो जाएंगे अच्छा कुल मिलाकर के एक स्मोक एंड एस अरे पढ़ा हुआ है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकना वेट 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 बेटा वेट। एक बात बताओ इनका नाम तो बड़ा फेमस है हाँ जी देखो 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 देखो, देखो स्मोक एंड एशेस स्मोक एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपिनियंस ओके ओके अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपिनियंस हिडन हिस्टोरीज हिडन हिस्ट्रीज टू बी पब्लिश बाई हर पिन कॉलिंग स्टूडेंट जुलाई दो हज़ार तेईस जुलाई दो हज़ार तेईस विक्रम सेठा झुमपा लाहिड़ी है अरविंद अडिगा अरे अरविंद अडिगा द्हाइट टाइगर द वाइट टाइगर द वाइट टाइगर आंसर क्या बनेगा अमिताभ घोष हाँ पक्का कुछ लोगों का आंसर आ रहा है अमिताभ घोष ओके 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 पक्का अमिताभ घोष ठीक है हाँ जी तो आप लोग याद रखना अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो भाई स्मोक एंड एशेस बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अमिताभ घोष का नाम आप लोग क्या रखेंगे याद रख लेंगे ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल ठीक है अमिताभ घोष ठीक है झुम्पा लहाड़ी कैसे होगा बेटा एक सेकेंड एक सेकेंड हां जी तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है अमिताभ घोष जितने लोगों का आंसर आ चुका है अमिताभ घोष अच्छा में कुछ बुक्स हम लोगों ने पढ़ी है कच्चा कौन बोला बिड़ा डट जाओ थोड़ा सा हाँ जी ध्यान से देखिएगा अगर हम बात करना सचिन एट द रेट फिफ्टी ठीक है ये याद रखिएगा सचिन एट द रेट फिफ्टी सेलिब्रेटिंग बस कुल मिला के चौबीस अप्रैल की बात थी जब सचिन तेंदुलकर का हैप्पी वाला बर्थडे था उस समय सचिन एट द रेट फिफ्टी बुक का विमोचन किया था और ये बुक किन की थी तो बोरिया मजुमदार की अच्छा एक बुक हम लोगों ने पढ़ी है भाई गांधी सियासत और सांप्रदायिकता है ना गांधी सियासत और सांप्रदायिकता गांधी सियासत सियासत गांधी सियासत और सांप्रदायिकता गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता ठीक है और ये बुक किन की होगी तो ये होगी पीयूष बाबले की अच्छा कोर्टिंग इंडिया ये तो हमने ऑलरेडी कई बार पढ़ा हुआ है ये तो नंदनी दास की हो जाएगी क्रॉस कोर्ट ये हमने नहीं पढ़ा है ठीक है बाकी द ह्यूमन कनेक्ट ये भी नहीं पढ़ा भाई हम लोगों ने ठीक है तो भाई बाकी कुल मिलाकर के सचिन हम पहले पढ़ चुके थे बोरिया मजुमदार की है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पीयूष बाबले की है और कोटिंग इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये नंदनी दास की है ठीक है इतनी बात आपको यहाँ से क्या रखनी है याद रखनी है ये क्वेश्चन देखिएगा अलग से अच्छा अरे बिल्कुल कर सकते हैं भाई बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है इकलौता कल का दिन ऐसा गया जब मेरी क्लास नहीं हुई ठीक है जब मेरी क्लास नहीं हुई दिमाग में तो चल रहा था नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मंडे को भी क्लास है फिर है ना इसीलिए थोड़ा सा मैं जानबूझ करके खुद भी अपने आप को रेस्ट नहीं देती क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर जिस दिन तुमने रेस्ट कर लिया तो चीजें तुम्हारी अगले दिन खराब होती हैं ठीक है तो हम खुद को भी खींच करके लेके चलते हैं ठीक है हाँ आराम बेकार है ठीक है आराम तो करना ही नहीं चाहिए को डेली सुबह इनको मेरे को बोलना चाहिए था कि मैम ऐसा करो आप डेली लो है ना आपके लिए छुट्टी का ऑप्शन ही नहीं है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा अरे इरिटेट नहीं हो गए बेटा ऐसा कुछ नहीं है तुम समझे नहीं मैं कहना क्या चाह रही हूं क्वेश्चन पढ़ो खैर छोड़ो वो सारी बातें क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को सेलिब्रेट होता है अगर हम बात करने की कोशिश करें तो भाई अगर मैं बात करूं वेटनरी डे की है ना वर्ल्ड वेटनरी डे या विश्व पशु चिकित्सा दिवस विश्व पशु चिकित्सा दिवस विश्व पशु चिकित्सा दिवस विश्व पशु चिकित्सा दिवस है ना विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये जो अगर मैं बात करूं अप्रैल का जो लास्ट वाला सैटरडे होता है अप्रैल का जो लास्ट वाला सैटरडे होता है और इस बार अप्रैल का जो लास्ट वाला सैटरडे है ये हम लोगों को कब मिला ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अप्रैल को ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल अप्रैल को इस दिन ये सेलिब्रेट होता है तो भाई कुल मिलाकर के इन्होंने बात बस इतनी सी बोली है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस की जो थीम है ये क्या हो जाएगी थीम हाँ जी तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट सबका आंसर डी आ रहा है प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटनरी प्रोफेशन आंसर हमारा क्या बनेगा तो ऑप्शन डी ऑलमोस्ट सबका आ चुका है मेरे देने से पहले ही हाँ ऑलमोस्ट सभी के सभी का ऑप्शन जो है वो डी आ चुका था मेरे आंसर से पहले ही है ना तो आंसर आपका क्या बनेगा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा हाँ जी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का हाल ही में अड़सठ वर्ष की उम्र में निधन हो गया है यह कौन थे तो लेखक है राजनेता है वैज्ञानिक है या फिर मैं बात करूँ तो सामाजिक कार्यकर्ता है डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन कुल मिलाकर के ये पास अवे हो चुके हैं डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन गोपाल कृष्णन पास अवे हो गए हैं ये जा चुके हैं छोड़ करके हमारे लिए क्वेश्चन बना गए हैं एज थी मात्र 68 एट ईयर्स अड़सठ साल की उम्र में और ये थे कौन भाई नाम के आगे डॉक्टर लगा है भाई साइंटिस्ट है ना पक्का वैज्ञानिक साइंटिस्ट या फिर मैं कहूं तो वैज्ञानिक आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है वैज्ञानिक या फिर साइंटिस्ट ठीक है अच्छा कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पाकिस्तानी कनाडाई तारेक फतेह शाह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो ये कौन थे ठीक है इसके अलावा जैसे कि उत्तरा बावरकर का हाल ही में 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया ये कौन थी ठीक है इसके बाद एक क्वेश्चन है जगन्नाथ महतो का निधन हो गया ये किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगी तुम में से कोई नहीं बताएगा झारखंड के थे ठीक है हां जी अच्छा लिखा हुआ है क्या की भाई झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है जर्नलिस्ट 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 मतलब इनका जो संबंध था वो पत्रकारिता के फील्ड से था ठीक है हां जी इनका जो संबंध था वो पत्रकारिता के फील्ड से था यानी कि जर्नलिस्ट थे ये ठीक है हां जी उत्तरा बावरकर जो थे ये कौन थे मैम सब तो मैम सब कुछ तो लिखा है कहाँ लिखा है बेटा सिर्फ इसका लिखा था जो मैंने बता दिया हाँ जी जो लिखा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कैसी बातें करते हैं कहते हैं है, मैम सब तो लिखा है ऑलरेडी बेटा लिखा नहीं है कुछ भी है ना तुम ये मान के चलो कुछ नहीं लिखा है <laughs> एक्ट्रेस थी पक्का हाँ एक कह रहा है एक्टर थे बेटा एक्ट्रेस होता है वो है हाँ ना अभिनेत्री थी ये अभिनेत्री ठीक है एक्ट्रेस थी ये अभिनेत्री और इनकी अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो जगन्नाथ महतो ये झारखंड के क्या थे तो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे कुछ और नेम जो ठीक ठाक से आपके सजेशन लिस्ट में हो या फिर जो आप लोगों को याद हो है ना कुछ और ऐसे नेम जो आपको याद हो आ, की अगर मैं बात करूं आप जिस भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं है ना आप जो भी एग्जाम आपको देना है आप इस साल बोल सकते हैं रोज मुझसे ये लोग यही सुनते हैं मैं हर मंडे को यही चीज एक्सप्लेन करती हूं मंडे को ये, ये लोग मुझसे ये सुनने आते हैं ट्यूसडे के बाद से ये लोग गायब हो जाते हैं फिर अगले मंडे को मुझसे ये फिर सुनने आते हैं फिर ये गायब हो जाते हैं ट्यूसडे से ठीक है आज हम टू प्लस हैं कल हम लोग इससे भी कम हो जाएंगे ठीक है बेटा आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस साल या आगामी जो भी आपके दो या तीन साल है उसके लिए करंट अफेयर की क्लास आप ले सकते हैं करंट अफेयर्स क्योंकि करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट आपको हर जगह सेम ही मिलेगा बस ये हो सकता है कि मे भी क्वेश्चनस का एक्सप्लानशन अलग हो सकता है क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं ठीक है मतलब मान लो कुछ क्वेश्चन जो मैंने आज पढ़ा दिए वो आपको कहीं थोड़ा सा एक दो दिन बाद मिलेंगे कहीं पर जो पहले पढ़ चुके हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो बेटा क्वेश्चनस आपके सेम रहते हैं ठीक है बाकी आप हर किसी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं कोई इशू नहीं है आपको जो अच्छा लगे आप उस एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं ठीक है अब पढ़ लो ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका में उच्च शिक्षा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार जो मिला है ये किसको मिला है ओके 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 भाई साहब ओके ओके अच्छा अमेरिका भी अवार्ड दे रहा है भाई ये तो बिल्कुल अपने आप में अच्छी बात है अभी हाँ, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का भी एक हाईएस्ट अवार्ड था जो मिला था रतन टाटा को है ना हाँ जी अरुणा ए अयर है जननी रामचंद्र हैं नीला बेंदा पुड़ी अच्छा तुम लोग इसका आंसर दे रहे थे पिछले क्वेश्चन में सारे के सारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे तुम लोग सारे के सारे वो जो लास्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आए हैं हां जी तो अमर

Uh, समलैंगिक का मतलब होता है जिसको हम होमोसेक्सुअल बोलते हैं ठीक है हाँ जी तो कौन अमेरिकी नगर परिषद के सदस्य बनने वाली या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अमेरिकन सिटी काउंसिल ना इसकी एक तो मेंबर बनने वाली जो पहली इंडियन ओरिजिन की होमोसेक्सुअल वुमेन बनी है या फिर हम ये कह सकते हैं फर्स्ट ब्लैक होमोसेक्सुअल वुमन इनका नाम क्या होगा तो केतनजी ब्राउन जैक्सन है अरुणा मिलर है जनानी रामचंद्रन है या फिर मनप्रीत मोनिका सिंह देखो ये तो वहां पर पहली सिख जज बनी है ना फर्स्ट सिख जज फर्स्ट सिख जज बनी है अरुणा uh, मिलर की अगर हम बात करें तो मैरीलैंड की पहली गवर्नर बनी है है ना अमेरिका में ही एक स्थान आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है मैरीलैंड मैरीलैंड की फर्स्ट मैरीलैंड की फर्स्ट गवर्नर है ना फर्स्ट गवर्नर वो भी इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट गवर्नर है इंडियन ओरिजिन लिख लेना भाई इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट गवर्नर बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन भाई ये इनका जरा बताना क्या किस्सा है केतन जी ब्राउन जक्शन का मतलब जो बाइडन इनके पीछे आपको देखने को मिलेंगे मतलब जो बाइडन के आगे मैंने इनकी इमेज आप लोगों को दिखाई थी ठीक है हां जी तो इनका इतिहास बताने की कोशिश करें बाकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी यानी जनानी रामचंद्रन बिल्कुल एकदम ठीक है फर्स्ट ब्लैक होमोसेक्सुअल वुमेन अमेरिकन सिटी काउंसिल की बनने वाली हाँ कोर्ट के जज लेकिन पहली ब्लैक जज बनी थी ना अश्वेत है ना पहली ब्लैक जज बनी थी ना ब्लैक जज है ना पहली ब्लैक जज बनी थी <coughs> हम्म पहली ब्लैक जज बनी थी बेटा अगला क्वेश्चन देखो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का कौन सा संस्करण यूके के सैली सबरी ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है वैसे दो साल में एक बार इसका आयोजन होता है ठीक है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन बिल्कुल भाई अजय वॉरियर भारत और भारत प्लस अगर हम बात करें तो यूके भारत और यूके के बीच में बात हो रही है अजय वॉरियर की ज वॉरियर की अजय वॉरियर की ठीक है हम्म हम्म इस बार इसका आयोजन भी कहाँ पर किया जा रहा है तो भाई यूके में ही किया जा रहा है दो साल में एक बार होती है तो ओ, ओ सेवंथ वाला एडिशन पक्का हर किसी का सेवंथ वाला एडिशन कैसे आ रहा है भाई अरे सुनो 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 हाँ जी कौन सा एडिशन होगा तो सेवन्थ वाला एडिशन होगा अभी रिसेंट में हम लोगों ने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी शायद आप लोगों को याद होगा नाटो का एक एक्सरसाइज था नाटो है ना साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए एक एक्सरसाइज थी नाटो की जरा बताने की कोशिश करें वो कौन सी एक्सरसाइज है बाकी गरुड़ है शक्ति है वरुण है है ना गरुड़ 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 के अलावा शक्ति है शक्ति के अलावा वरुण है ये तीनों हमारी किसके साथ होती हैं तो ये आप लोगों को कमेंट सेशन में लॉक्ड शील्ड ओ की Locked shield. Locked shield, है ना ये किसकी एक्सरसाइज थी ये नाटो की थी लॉक्ड शील्ड के अलावा एक स्टीड फास्ट नून इसको भी याद रखना stayed fast. Stayed fast ये भी कहां की एक्सरसाइज है तो ये भी नाटो की ही एक्सरसाइज हो जाएगी हाँ जी गरुड़ शक्ति वरुण ये फ्रांस के साथ होती है हमारी ठीक है किसके साथ होती है तो ये होती है हमारी फ्रांस के साथ पक्का अच्छा एक बात याद करना सत्ताईस से स्टार्ट हो गई है ग्यारह मई तक चलेगी है ना ये जो एक्सरसाइज है अजय वॉरियर सत्ताईस से स्टार्ट हो गई है सत्ताईस अप्रैल से ग्यारह मई तक चलेगा सत्ताईस अप्रैल से 11th ऑफ मई 27 अप्रैल से 11th ऑफ मई अच्छा जरा उस एक्सरसाइज का नाम बताना जहां पर अवनी जी को बाहर भेजा गया था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था ना कि किसी फीमेल को किसी एक्सरसाइज में हम लोगों ने बाहर भेजा है जैसे हम बात करते हैं एक तो जिमेक्स की जिमेक्स के अलावा जैसे आप कहते हैं धर्मगोरजियन धर्मगोरजियन धर्म गोर्जियन धर्म गोर्जियन के अलावा जैसे वीर गौर्जियन है एक है हम लोगों का शिन्यू मैत्री शिन्यू मैत्री है ना ये हमारी चारों की चारों एक्सरसाइज जो होती है वो किसके साथ होती है पक्का वीर गोर्जियन हाँ जी तो करेक्ट आंसर धर्म गोर्जियन के वीर गोर्जियन एक्सरसाइज में होता क्या है एक्सरसाइज में हम अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं कि हम चीजों को कैसे और बेहतर कर सकते हैं ठीक है वीर गोर्जुन वीर गर्जुन वीर गोर्जुन जापान के साथ होती है सारी की सारी हाँ जी सारी की सारी हमारी किसके साथ होती है सारी की सारी होती है जापान के साथ बाकी जब हम टाइगर ट्रंप की बात करते हैं तो टाइगर ट्रंप अमेरिका के साथ होती है ठीक है अगर हम बात करेंगे टाइगर ट्रंप टाइगर ट्रम्प ये अमेरिका के साथ होती है अमेरिका के साथ होती है टाइगर ट्रंप ठीक है हाँ जी हाँ ऐसा नहीं है प्रिपेयर करते हैं जैसे मान लेते हैं कि तुम ये सोचो मैम मॉर्निंग में सुबह सात बजे वाली क्लास में आकर के हम आपसे क्या सीखते हैं अला मॉर्निंग में सबसे बेस्ट एग्जांपल है इससे एग्जांपल हो ही नहीं सकता अच्छा मॉर्निंग सेवन ए एम आकर के हम आपके सेशन में क्या सीख मैम हम खुद को प्रिपेयर करते हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए ताकि हम अपने एग्जाम में हंड्रेड परसेंट जो है वो दे सके ठीक है हां जी अपने बेसिक को हम क्या कर सके भाई स्ट्रांग कर सके हाँ जोल्फ घर इंडिया और ईरान के बीच में जोल्फ घर इंडिया और ईरान के बीच में अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अड़सठवें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में भाई बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है ये किस फिल्म को मिला है ठीक है आज बहुत सारे बच्चे नए आ रहे हैं बहुत परेशान कर रहे हैं आतंक मचा रहे हैं ना तांडव कर रहे हैं क्लास में जैसे कि एक बच्चा है सर इनका कॉमेंट एक बार देखिएगा ऊपर चला गया शायद एक बच्चे का कॉमेंट है अच्छा बेटा क्या ना कल पूरा दिन सोए हैं सोने के अलावा कोई दूसरा काम किए नहीं है ना जिस दिन छुट्टी हो तो मैं पता है हमें कोई काम नहीं होता उस दिन ठीक है बेसिक से अपना करंट अफेयर स्ट्रांग कैसे करें आज एक मई है आज फर्स्ट ऑफ मई है पीछे क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ सब भूल जाओ आज से एक नई शुरुआत करो ठीक है आज ही से चीजों को स्टार्ट करो और केवल और केवल सिर्फ थर्टी डेज आपको मुझे देने हैं थर्टी डेज मतलब एटलीस्ट अपने लिए पूरा मई तो दे ही सकते हो मुझे ठीक है कवर करें प्लीज बता दीजिए मैम प्लीज बता बेटा मैं ही बताऊंगी रुक जाओ थोड़ा सा सांस ले लो पहले यह पढ़ लो ठीक है हाँ जी तो सिर्फ ओनली आपको थर्टी डेज जो है वो मुझे देने बस बात खत्म ठीक है और आपको कुछ भी नहीं करना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन देखो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है इसमें जो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है ये किसको मिला है तो ये गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है अच्छा आरआरआर याद है आपको जब हम बात करते हैं तो आरआरआर क्या है तो नाटू 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 ना बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में ऑस्कर अवार्ड जो लेकर के आया है ऑस्कर अवार्ड ये नाटू नाटू को जो है वो मिला है अच्छा आप लोगों को याद है राजकुमार राव का नाम जानते हो कि नहीं जानते राजकुमार अरे इसको पूरा इरेज कर दो है ना सब चीजें छोड़ो शुरुआत से शुरू करते हैं बात हो रही है यहां पर 68 वाले जो फिल्म फेयर अवार्ड है सिक्सटी नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड इसमें अगर हम बात करने की कोशिश करें तो इन्होंने बोला है बेस्ट मूवी है ना बी एस टी बेस्ट फिल्म की बात हो रही है ये कौन सी बनी है तो ये तो गंगूबाई काठियावाड़ी बनी आपको पता ही है बात होगी बेस्ट एक्टर की बेस्ट एक्टर की तो ये राजकुमार राव का नाम भाई याद रखिएगा राजकुमार राव राजकुमार राव ठीक है राजकुमार राव पक्का यही है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और हो अरे राजकुमार राव ही होंगे और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो आलिया भट्ट आलिया भट्ट आलिया भट्ट ठीक है ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो जीती है अच्छा इससे पहले भी आलिया भट्ट को और रणवीर कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है जरा बताना वो कौन से वाले अवार्ड थे एक अवार्ड और था जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को चुना गया था और सॉरी एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर उन्हीं के जो पतिदेव थे रणवीर कपूर साहब को चुना गया था दादा साहेब फालके अवार्ड ठीक नौरा फतेही ही कौन आंसर दे रहा है बेटा सुधर जाओ हल्का सा सुबह सुबह का समय है नौरा फतेही इनको दादा साहेब फालके अवार्ड बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक ठीक कहा दादा फाल के अवार्ड। ठीक है? दादा फालके फालके अवार्ड अवार्ड है आप लोगों को याद रखना है अगला क्वेश्चन देखिएगा फुल लिस्ट ऑफ अवार्ड है ना पूरी लिस्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड काठियावाड़ी को गया है गंगूबाई काठियावाड़ी को बाकी क्रिटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो बधाई हो जाएगा मेल की अगर आप बात करोगे राजकुमार रावे और बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो आलिया भट्ट किसके लिए गंगोबाई काठियावाड़ी के लिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर टेंथ आपकी स्क्रीन पर है आपसे कह रहा है किस राज्य में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन तीन और चार जुलाई को होगा यह भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है हां जी जब हम बात करते हैं एसओ सबमिट एसियो सबमिट दो इस, बेटा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे जब हम एस की बात करते हैं तो एस की स्थापना होती है 2001 में ठीक है 2001 में एस की स्थापना कब होती है 2001 में क्या आप हेडक्वार्टर बताने का कष्ट करेंगे एस का हेडक्वार्टर कहां पर है बाकी स्टार्टिंग में जब एस को शुरू किया गया था तो इसमें छह ही मेंबर थे है ना 2001 में इसमें कितने होंगे छह ही मेंबर होंगे। बाद में भारत और पाकिस्तान तो इसमें बाद में ऐड होते हैं 2017 में ठीक है भारत और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान ये होते हैं कब तो भाई 2017 में बीजिंग पक्का चाइना बीजिंग बिल्कुल भाई हेडक्वार्टर कहां पर है तो ये होगा हमारा बीजिंग चाइना बीजिंग चाइना ठीक है बीजिंग चाइना जैसे जे ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी इस समय भारत के पास है अरेंजमेंट की प्रेसिडेंसी भारत के पास है उसी तरीके से SU की प्रेसिडेंसी भी इस बार किसके पास है भारत के पास हो जाएगा ठीक है ठीक है हाँ बेटा आंसर आपका क्या बनेगा तो भाई गोवा वाले बीच पर हंड्रेड ऑप्शन है हमारा ठीक है ठीक है बाकी टूरिज्म और कल्चरल जो कैपिटल है एस की वो है वाराणसी नो डाउट कोई डाउट नहीं है ठीक है लेकिन एस की जो मीटिंग होनी है भाई ये कब होनी है तीन और चार जुलाई को तीन और चार जुलाई को होगी कहाँ पर तो ये होने वाली है गोवा में तो आंसर हमारा क्या बनेगा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है गोवा एकदम करेक्ट है ठीक है हाँ जी गठन 2001 में होता है यह है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है एस में छह सदस्य थे, थे स्टार्टिंग में रशिया चाइना कजाकिस्तान तजाकिस्तान किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान बाद में इसमें दो और ऐड होंगे 2017 में दो ऐड होंगे भारत और पाकिस्तान और अब एक और ऐड हुआ है जिसका नाम हो जाएगा ईरान तो कुल मिलाकर के इस समय एस में प्रेजेंट में करंट मेंबर कितने होंगे तो करंट मेंबर हो जाएंगे मैम नौ पक्का ठीक है वॉशिनार अरेंजमेंट एक बार आप मुझे बता दीजिए मैम देखो बेटा कुछ नहीं है वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है 1996 में फॉर्मेशन होता है कोई भी कोई भी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम ड्यूएल यूज़ कर सकते हैं ड्यूएल यूज का मतलब होता है जिसका हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या तो एक पॉजिटिव वे में और एक होता है नेगेटिव वे में है ना मतलब एक तो हम चीजों का सही उपयोग कर सकते हैं सदुपयोग कर सकते हैं एक हम चीजों का गलत उपयोग कर सकते हैं ठीक है हां जी ठीक है तो देखिएगा एक बार ध्यान से बेटा कहां पर चले गए आप सर बेटा जुलाई में होगा है ना चीजें अभी मई नहीं होगा जुलाई ठीक है हाँ बेटा जुलाई होगा ठीक है आ, सुनो मैंने क्या बताया कुछ और बताया मैंने तुम कहीं और कंफ्यूज कर दिया कुल मिला के जो जिनका हम एक सही यूज कर सकते हैं और जिसका हम गलत इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक ऐसे देश को पावर देना जो उसका कभी गलत इस्तेमाल ना करे और आप जानते हैं भारत ऐसा कर नहीं सकता कभी भी है ना तो प्रेसिडेंसी किसको दी गई है तो भाई भारत को दी गई है ठीक है हाँ जी भारत को दी गई है आगे बढ़े कौन है ये इसमें से भाई एक सेकेंड रुकिएगा जरा बेटा एक साल के लिए प्रेसिडेंसी है हमारे पास ये चीज आपको पता होनी चाहिए है ना एस की प्रेसिडेंसी एक साल के लिए है हमारे पास ठीक है तो सबमिट जो तुम लोग मई मई कर रहे हो भाई जुलाई होएगा आपका आंसर है ना जो लोग मई मई कर रहे हैं ना हाँ एक साल के लिए हमारे पास प्रेसिडेंसी ठीक है कौन है ये जो कह रहा है कि यहां सारे के सारे इनको लग रहा है हम मई में आ गए तो सारी चीजें मई में ही होंगी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेशन ब्लॉक <laughs> नहीं बेटा नहीं इतने बुरे नहीं है हम सुबह सुबह इस क्वेश्चन का आंसर करो सारे के सारे पता नहीं तुम लोगों ने मेरी इमेज कैसी बना ली है ना कैसा नाम देते हो ऑपरेशन ब्लॉक बेटा गलत बात ना गलत बात अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है आज का इलेवंथ वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अप्रैल 2023 में राजस्थान को कितने नए संरक्षण रिजर्व मिले हैं या फिर मैं बात करूं तो कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो राजस्थान को मिले हैं तो भाई कितने कंजर्वेशन रिजर्व मिले हैं दो है तीन है चार है या फिर मैं बात करने की कोशिश करूं तो पांच तो आंसर हमारा क्या बनेगा तीन चार वाले कौन है पकड़ के कूटो जिनका आंसर चार आ रहा है आंसर क्या बनेगा तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है तीन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो मिले हैं अब ये तीन कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये हैं कौन कौन से भाई तो सबसे पहले तो देखो ये तीन नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व है ये एक तो आप लोगों का क्या हो जाएगा बारह एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पर सोरसेन है सोरसेन इन बारह है ना सोरसेन इन बारह और इसके अलावा खिचन और भीलवाड़ा जिले में हमीरगढ़ है ठीक है अगर मैं बात करूं खिचन इन जोधपुर और इसके अलावा जैसे हमीरगढ़ इन भीलवाड़ा ठीक है तो कुल मिलाकर के तीन आप लोगों को क्या रखने है, याद रखने हैं है, तो है, तो याद हो जाएगा सौरसेन ठीक है इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो एक हो जाएगा खिचन इन जोधपुर खिचन है ना ये नाम है खिचन इन जोधपुर हमारे कमेंट सेशन देखना बहुत बेकार है ना कमेंट देखना ही नहीं है हम लोग बहुत परेशान करने लगे हो आजकल ठीक है किचन के अलावा एक आप लोगों को में मिलेगा जिसका नाम होगा हमीरगढ़ हमीर ठीक है ये कहां पर मिलेगा तो ये मिलेगा आपको भीलवाड़ा में भीलवाड़ा में ठीक है तो कुल मिला करके अभी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व मिले हैं अप्रैल 2023 में राजस्थान को तीन ठीक है राजस्थान को तीन तो कह रहा टाइ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई ठीक है खैर अच्छा राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो गई है भाई राजस्थान में राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट या जिलों की संख्या इस समय कितनी हो गई है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली लास्ट मंथ हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान में उन्नीस नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं उन्नीस न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं उन्नीस न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान में बने हैं तो टोटल अब राजस्थान में जिलों की संख्या फाइव जीरो फिफ्टी पक्का फाइव जीरो फिफ्टी अरे बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है बेटा आप लोगों को पता है कि इस समय गहलोत साहब की सरकार है बाकी जयपुर यहाँ की कैपिटल है और जयपुर में भी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व का थर्ड सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है किसके नाम पर बनेगा स्टेडियम हां जी तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और ये किसके नाम पर बनेगा तो भाई आंसर अनिल अग्रवाल अनिल अग्रवाल अनिल अग्रवाल अनिल अग्रवाल हाँ हाँ अनिल अग्रवाल जी के नाम पर बनेगा ठीक है अब की भाई ये क्वेश्चन से आए तो चमत्कार हो गया भाई कुछ क्वेश्चन है जरा चीते की रफ्तार से इनके आंसर देने की कोशिश करना छोड़ने वालों में से तो ख़ैर हम वैसे भी नहीं है भाई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन किया है और इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया है आज का सेशन ट्रेलर के तौर पर हम मान सकते हैं कल से हम लोगों की सेशन जो है वो वापस से शानदार शुरू होगी जैसे आप कहते हैं ना मैम दिमाग के घोड़े टू इंटू की स्पीड से दौड़ने लगते हैं आपके सेशन में तो कल से कुछ वैसा ही होने वाला है ठीक है हाँ जी हल्के में अब काम नहीं चलेगा आप चीजों को स्ट्रॉन्ग करते हैं थोड़ा सा ठीक है हाँ जी तो भारतीय भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने अभ्यास सुदर्शन आयोजित किया और ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो बिल्कुल एकदम ठीक है भाई राजस्थान है ना अपना राजस्थान इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल तीन से छह दिसंबर दो तक आयोजित किया गया है लूसो वहां पर आयोजित किया जाता है जो किसके अंतर्गत आता हो जो पुर्तगाली के अंदर जो है वो आता हो तो ये केवल एक स्टेट हो सकता है जिसका नाम होगा गोवा ठीक है हाँ जी एक दिसंबर से दस दिसंबर तक नागा हेरिटेज विलेज में हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 आयोजित किया गया है तो हॉर्नबिल का इस बार कौन सा एडिशन था मैं फिर रिपीट कर रही हूं नागालैंड की जो स्थापना होती है या फिर हम ये कह सकते हैं कि नागालैंड नागालैंड जो बनता है ये फर्स्ट ऑफ दिसंबर उन्नीस को यह बनेगा अच्छा 2022 में इसने अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया है 2022 में तो ये याद रखिएगा साठवां फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया है 2022 में नागालैंड ने लेकिन अगर हम हॉर्नबिल की बात करें ये? तो ये होता है, 10 का फेस्टिवल, 10 का फेस्टिवल, एडिशन जो है वो आयोजित किया गया था तेईसवा एडिशन अगला क्वेश्चन है न, नवंबर दिसंबर दो में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जैमिन का नाइनटी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो जियांग जैमिन चिंग Ping pong. China, China, China. याद रखिएगा चाइना ठीक है जियांग जामिन तो जियांग जामिन का संबंध कहाँ से होगा चाइना से होगा अगला क्वेश्चन है नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है बेटा जिनको आज नहीं समझ आ रहा एटलीस्ट आज की क्लास से आप मुझे जज ना करें चार दिन एटलीस्ट आप क्लास लीजिएगा ठीक है प्लीज रिक्वेस्ट है आप है आपसे हाँ। ठीक चलो तो नई चेतना पहल बदलाव की क्योंकि आज मंडे है ना तो थोड़ा सा झूठ क्यों बोलू आपसे उठने के लिए थोड़ा सा मुझे भी समय लगता है ना कल संडे था ना बस इस वजह से थोड़ा सा तो शक्ल देख के आप समझ गए होंगे कि हल्का सा समय मुझे भी लगता है ना अब हम जग गए हैं पूरी तरीके से तो पूरे हफ्ते पूरे एनर्जी के साथ काम करेंगे है ना हाँ जी शुरू करते हैं कह रहा है नई चेतना बदलाव पहल की अब तुमसे क्या ही छुपाना या तुमसे क्या ही झूठ बोलना ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हां जी तो भाई कुल मिलाकर के ये जो जितेंद्र सिंह जी हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आपको केवल इतना बताना है ठीक है ओके okay, ओके okay. भाई तो जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये जो कहाँ से बिलोंग करेंगे जितेंद्र सिंह जी हरियाणा दूध खाट की नगरी हरियाणा अगला क्वेश्चन है एक दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 2022 में एड्स दिवस की जो थीम है वो इक्वलाइज रही है ठीक है और इक्वलाइज का मतलब होता है समानता है? समानता इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है समानता ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति रखने वाला पूर्वोत्तर का पहला और भारत का तीसरा राज्य बना है भाई अपने आप में काबिलियत तारीफ है अगर मैं कहना चाहूं तो विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द थर्ड स्टेट इन इंडिया टू हैव मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी जिसके पास मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी को लेकर के आया है तो पहला होगा आपका कौन सा केरला दूसरा होगा कर्नाटका तीसरा होगा मेघालय तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेघालय हां जी मेघालय ऑप्शन हमारा सी अगला क्वेश्चन देखो किस राज्य के पर्यावरण विभाग ने बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स अरे ये तो एक ही स्टेट हो सकता है हाँ एक ही स्टेट हो सकता है और कौन सा होगा ये वाला स्टेट भाई तो ध्यान से देखो किस राज्य के पर्यावरण विभाग ने बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जी आर ए पी ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है पहले है ना कोई ये नहीं कह सकता कि क्वेश्चन नए हैं जिसने बोला क्वेश्चन नए बहुत कूटेंगे हाँ जी आंसर क्या बनेगा वेस्ट बंगाल बिल्कुल ठीक है ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन देखिएगा सिपकोट अच्छा आंसर पहले ही दिख गया भाई सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क है ये कहाँ पर खुला है तो पैराम्बलूर में खुला है पैरामू डिस्ट्रिक्ट में और ये कहां पर होगा तो ये होगा तमिलनाडु में सिपकोट हाँ जी सिपकोट फुल फॉर्म सिपकोट सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क इंडस्ट्रियल पार्क हाँ सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क ये तमिलनाडु में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन वायु वायु से पहले आकाश पर भी तो एक सबमिट किया गया था है ना वायु से पहले आकाश पर भी तो एक सबमिट किया गया था जरा बताना आकाश पर जो सबमिट हुआ था वो कहां पर हुआ था हाँ हाँ प्रवेश बेटा बहुत दिनों बाद आयो लग रहा है आज क्लास में आते ही शुरू हो गए बेटा प्रवेश और भाई एटलीस्ट टू फोर्टी के आसपास हम लोग हैं एक लाइक का आंकड़ा होता है आप उसको टच कर सकते हैं हालांकि जिंदगी में आज पहली बार हम बोले हैं सोचे आज बोल ही दे तुम करते नहीं हो बिना बोले हां जी तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा भुवनेश्वर आकाश के ऊपर जो सबमिट हुआ था आकाश पर वो कहां पर हुआ था तो वो हुआ था देहरादून है ना आकाश पर जो सबमिट हुआ था वो देहरादून अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे किस वर्ष तक यूरोप दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत ट्रेनों का एक निर्यातक बन जाएगा मतलब वंदे भारत हम लोग जो है वो कहां पर पहुंचा दे कब तक हम लोग जो है बेचने लगेंगे है ना हाँ जी हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे वंदे भारत तो आंसर हमारा क्या बनेगा इसमें भाई 2025-26 तक क्यार ये तो पुराने क्वेश्चन थे यहाँ से एक का क्वेश्चन गलत नहीं आना चाहिए टू इन टू की स्पीड से यहाँ से आप आंसर करेंगे पहला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन दो में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है ये किस शहर में है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय या फिर हम बोल सकते हैं कि जो म्यूजियम आपको मिलेगा ये कहां पर मिलेगा तो भाई छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ये कहां पर मिलेगा जयपुर हैदराबाद बैंगलोर मुंबई ओनली मुंबई मुंबई बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ये आपको कहां पर मिलेगा मुंबई में बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 किस राज्य में ये हो क्या रहा है एक सेकेंड ये रिविजन वाला पार्ट कहां चला गया ये क्वेश्चन नहीं है पुछले वाले ये तो पुराने क्वेश्चन है यार ये भाई एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज मैं माफी चाहूंगी आप सभी से हाँ ये पुराने क्वेश्चन इसमें मेंशन हो गए पता नहीं कैसे फिर अपडेट वाले कहाँ चले गए चलो कोई ना आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देना होमवर्क में क्या ही करूँ हाँ, हो सकता है या तो मुझी से हो गया हो ठीक है भाई ये तो साबित हो गया क्लास नींद में तैयार हुई है सुधर जाओ रही वक्त रहते है ना तुम कभी नहीं सुधरोगी खैर इस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ पर दे देना इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में दे देना भाई है ना और मैं आज के लिए बिल्कुल माफी चाहूंगी आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं हम लोग ठीक है सॉरी सॉरी एक चीज पता नहीं क्या ये तो शुगर है अपडेटेड क्वेश्चन ऊपर लिखे थे है ना ना तो पोपट बन जाता आज मेरा खैर हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी एक बार उस पर नज़र हम लोग घुमा लेते हैं थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा आप कॉमेंट सेशन में कॉमेंट करने की आदत डाला करो है ना कॉमेंट सेशन में कॉमेंट आप किया करो कॉमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए है ना और आज के लिए एटलीस्ट क्लैपिंग बनती है 250 का आंकड़ा हम लोगों ने टच किया है आफ्टर पता नहीं एक डेढ़ हजार साल बाद ठीक है हाँ तो लास्ट हम लोगों की जो क्लास हुई थी वो 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 कहाँ पर है ये रही हमारी लास्ट क्लास और बहुत सारे बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया मतलब कुल मिलाकर के आंकड़ा जो गया वो 110 प्लस गया था कमेंट सेशन का तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा हाँ जी थैंक यू सो मच भाई लोग और कल से बहुत शानदार करेंगे इस सेशन को आज के लिए रोको कल के लिए बहुत शानदार करेंगे अपनी अपूर्वा है अपूर्वा ने कहा कि द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ये लखनऊ यूपी में बना है फिर जेनिफर है जेनिफर के बाद डॉली है डॉली के बाद सोनम है सोनम के बाद हिमांशु हिमांशु के बाद तनु तनु के बाद आदर्श सौरभ शिवानी है ना आदित्य सौरामी उत्तम नेहा बहुत कुछ लिखा है भाई लोगों ने बहुत ज्यादा लिखा है ना जूही है स्वाति है काजल है ऋषु है अश्विनी है चंद्रा है हरीश है कमला है खदीजा है मेघा है सुचित्रा है ठीक है इसके अलावा जैसे हरि नारायण है है देवराज है विशाखा है निर्भय है अंकित है शिखा है धीरेन चक्रवर्ती हैं इसके अलावा जैसे कि शुभम है ये भी हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं भाई काबिलियत तारीफ है ठीक है दीक्षा है प्रिया है ऑफिसर है गोविंदा है नेत्रपाल है वैष्णवी है सचिंदानंद है ना ये भी हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं अमित है जोहवी है सिमी है निधि है आयुषी प्रिया है मानसी है कविता है धीरेन चक्रवर्ती है रोहन है अक्षय है ए के है निर्भय है मतलब बहुत डाटा गया था कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो वन हंड्रेड के आसपास ठीक है और वाकई काबिलियत तारीफ तो खैर मैं बोलूंगी ही आप लोगों से ठीक है बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आज वाले सेशन में भी कीजिएगा सेशन कैसा लगा जरूर एक बार आप बताइएगा मुझे ठीक है बाकी रोकते हैं मेरे जस्ट बाद संदीप केसरवानी सर की क्लास है तो आप संदीप सर के सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा मुलाकात करेंगे दोपहर दो, दो बजे सेशन में ठीक है बाकी कल सुबह सात बजे तो मिलेंगे ही मिलेंगे तो थैंक यू सो मच बब बाय और बेस्ट ऑफ लक ठीक है हैव गुड डे बेटा 24 घंटे क्यों 26 घंटे का मैराथन करवाएंगे तुम्हें किसी दिन है ना होममेड कुकिंग 26 घंटे की मैराथन कराएंगे 24 घंटे तो कम पड़ेंगे ना